हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मैनेजर। वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक मैनेजर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देयर आर मेनली फाइव फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस मैनेजर। ठीक है, किसी भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को ये पांच फैक्टर्स होंगे जो प्रभावित करते हैं। जो क्या फैक्टर्स होते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, कि वो क्या होते हैं। फर्स्ट वन होता है चेंज इन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। ठीक है, चेंज इन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, चेंज इन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का मतलब वो जो कार्यकारी समिति हैं आपके कॉलेज की, जो पूरा बाहर संभालते हैं, जैसे सीईओ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स, जितने भी कार्यकारी लोग होंगे जो मेनली पॉलिसी को डिसाइड करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, अगर उनमें कुछ बदलाव होता है तो ऑब्वियस सी बात है उनके माइंडसेट भी अलग अलग होते होंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कोई किसी तरीके से डेवलपमेंट चाहता होगा, कोई किसी तरीके से। तो अगर मान लो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी बदल जाती है, पहले मान लो कोई बॉडी चल रही थी, उसने कुछ एक अपने तरीके का काम स्टार्ट किया था, ठीक है, संस्था में करना, सडनली वो बॉडी बदल जाती है तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय होंगे उनको भी दिक्कत जाएगी उसको अडॉप्ट करने में, ईजिली तो अडॉप्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को वही काम करने की आदत पड़ गई है तो उसका आसानी से चेंज होना डिफ़िकल्ट है। तो ऑब्वियसली मैनेजर को ये भी देखना है कि नीचे वाली बॉडी भी सेटिस्फाई रहे और ऊपर वाली भी बॉडी भी सेटिस्फाई रहे, तो उसके लिए उसमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होगा उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में कोई चेंज आएगा। तो ये है चेंजेस इन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट क्या होता है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला है ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सेकेंड फैक्टर समहाउ इसी से रिलेटेड है कि अभी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट बदला था, अब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव कर, मतलब हमने बोल दिया कि यार भाई ये क्लास इधर ना लग के इधर लगेगी, ये ऑफिस इधर ना होके इधर होगा। अब क्या हुआ, पूरा बदलाव चेंज हो गया। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी और काम पे फोकस थे या मैनेजर किसी और वर्क पे फोकस था, सडनली उसको कुछ और काम आ गया बीच में जो कि आसानी से वो नहीं चेंज कर सकता, उसमें बदलाव नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में भी उस पे प्रभाव आएंगे, उसमें माइंड सेटअप भी चेंज होगा, उसका काम करने का तरीका भी चेंज होगा अगर स्ट्रक्चर में कोई पर्टिकुलर बदलाव होता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है किसी मैनेजर को। थर्ड है कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर बिजनेसेस। ठीक है, कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर बिजनेसेस। अब ये तो क्लियर ही हो रहा है कि क्या हो कि मान लो आप कोई चीज़ चला रहे हो, उसी के सामने वाले बिजनेस से कुछ नई चीज़ आई और वो कम कॉस्ट में भी है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव आउटकम भी दे रही है और आप किसी पुराने तरीके से ही चले जा रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग अपने आप में बदलाव करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आपका माइंड सेटअप भी बदलना पड़ेगा आपको, तो आप पे वो प्रेशर हमेशा रहेगा कि आपको ये चीज़ में बदलाव करना है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो क्या करता है किसी मैनेजर के मानसिक और उसके एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है, मीन्स इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, फोर्थ सोशल एंड कल्चर फैक्टर। अब ये तो बहुत ही आसान है, जैसे मान लो आज के टाइम में है, अब कोई अपना बिजनेस चला रहा था, मान लो वो शॉपिंग मॉल था, ठीक है, जिसमें सारी डेली नीड्स की चीज़ें मिलती थी, सडनली कोरोना इफेक्ट आया, उसके कारण उसको
क्योंकि सोशल और कल्चरल चीज़ें बदल रही थी, इसीलिए उसको भी अपने माइंड सेट में चेंज करना पड़ा, उसको सडनली डिसाइड करना पड़ा कि हम होम डिलीवरी कराएंगे। तो उससे क्या हुआ, उसका माइंड सेटअप बना, मतलब इन्फ्लुएंस हुआ वो किसी दूसरे से, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है कि जब समाज में या कोई कल्चरल एनवायरनमेंट में चेंज आए तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे डील करते हैं, उसके लिए भी फैक्टर्स, ये भी एक फैक्टर है जो किसी भी मैनेजर के ऑर्गेनाइजेशन के प्रभावित करता है। फिफ्थ, लॉज एंड रेगुलेशन, ये तो सबसे ईजीएस्ट वन है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लॉज बदलेंगे तो आपको ऑब्वियसली उनके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे जीएसटी, पहले कुछ वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, आजकल जीएसटी लगने लगा, उसके कारण क्या हुआ, चीज़ों में बदलाव आए ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब लॉज में कोई बदलाव आए, कोई बॉडी गवर्निंग बॉडी में अपने लॉज में कोई चेंज करे, उसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी बदलाव करना पड़ता है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के मैनेजर को जो प्रभावित करता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मैनेजर को। थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।